Okay, so one more problem in crashing. Us par dhyan dijiyega. Just pay attention on this problem. It is question number 17 in all your handouts. First of all, there are activities which are represented from A till H. उसके बाद है नोड्स. लास्ट क्लास में तो प्रेडिसेसर फॉर्मेट का डायग्राम किया था, अब है नोड्स का. तो सबसे पहले तो नोड्स की हेल्प से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा. नॉर्मल टाइम दिया हुआ है हर एक्टिविटी को करने का, और शॉर्टेस्ट टाइम यानी क्रैश टाइम दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, जिसका कि दूसरा नाम होता है कॉस्ट स्लो, इसको भी नोट कर लीजिएगा. ये भी गिवन है. कॉस्ट ऑफ रिडक्शन को एक बार हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. The cost of reduction for A, it is rupees 80. B का cost of reduction है 90. C का cost of reduction 30. D का cost of reduction है dash. मतलब D को consider नहीं करेंगे crashing के लिए, क्योंकि D का normal और crash time बिल्कुल same है. जिनका भी normal time और crash time same होगा, उनको कभी भी क्रैशिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. ऑल्दो दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यूज तो आप करेंगे लेकिन क्रैशिंग के लिए कंसिडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट एक्टिविटी ई का 40, एफ का 200. नेक्स्ट जी का कॉस्ट ऑफ रिडक्शन है 50. एंड फाइनली एच, एच का भी डैश है. क्यों? क्योंकि एच का नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम सेम है, तो इसको भी क्रैशिंग के लिए कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा. एक तो आपको कॉस्ट ऑफ रिडक्शन अलग से लिख लेने हैं. कुछ डिटेल्स जिनको आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोजेक्ट की टोटल नॉर्मल कॉस्ट है 6500, तो इसकी एंट्री तो कॉस्ट शीट में होगी. ओवरहेड कॉस्ट पर डे इट इज 160. पेनल्टी कॉस्ट इज रुपीज 100 पर डे, लेकिन ये लगेगी केवल ओवर 17 डेज. मतलब अगर ये प्रोजेक्ट 17 दिन या उससे कम टाइम में खत्म हो रहा है तब तो कोई पेनल्टी नहीं है. 17 दिन के ऊपर अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हर दिन की 100 रुपए की पेनल्टी है. तो ये दो तीन चीजें आप लोग नोट कर लेना. एक तो टोटल नॉर्मल कॉस्ट, टोटल नॉर्मल कॉस्ट इट इज 6500. ओवरहेड कॉस्ट पर डे, ये एक अलग सेगमेंट है. ओवरहेड कॉस्ट पर डे इट इज रुपीज 160 एंड पेनल्टी कॉस्ट इज रुपीज 100 पर डे. नोट कर लीजिएगा एक बार ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. और डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा खुद. बाकी स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, डायग्राम बनेगा इन नोट्स की हेल्प से. सबसे पहले है 1, 2, 2. तो 1 को आप इनिशियली 2 से कनेक्ट करेंगे. 1 विल बी कनेक्टेड बाय 2. दिस इज एक्टिविटी ए और इसका नॉर्मल टाइम है 6, क्रैश टाइम है 4. तो 6 तो रखा ब्रैकेट के बाहर और 4 रख दिया ब्रैकेट के अंदर. नॉर्मल टाइम को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे आप और क्रैश टाइम को ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा. क्रैश टाइम मतलब शॉर्टेस्ट टाइम. नेक्स्ट एक्टिविटी है बी, 1, 2, 3. तो 1 को आप कनेक्ट करेंगे 3 से. 1, 2, 3 इज एक्टिविटी बी और इसका नॉर्मल और क्रैश टाइम 8 एंड 4. 8 रखा ब्रैकेट के बाहर, क्रैश टाइम रख दिया ब्रैकेट के अंदर. नेक्स्ट एक्टिविटी है सी और इसका टाइम है आपके पास, इसके नोट्स है 1, 2, 4. एक्टिविटी है सी और इसका नॉर्मल टाइम 5, क्रैश टाइम 3 हो जाएगा. गिवन है. नेक्स्ट इज 2 to 4. अब आप 2 को 4 से कनेक्ट करेंगे. तो 2 को कर दिया 4 से कनेक्ट. दिस इज एक्टिविटी डी, एक्टिविटी डी और इसका नॉर्मल टाइम है 3, क्रैश टाइम भी है 3. 2 to 4, नॉर्मल भी 3, क्रैश टाइम भी 3. नेक्स्ट एक्टिविटी इसके बाद है ई. ई है 2 to 5. तो ई एक्टिविटी है 2 to 5. तो 2 को अब आप 5 से कनेक्ट कर देंगे. दैट इज एक्टिविटी ई. कितना है इसका नॉर्मल और क्रैश टाइम? 5 एंड 3 डेज एंड 3 डेज.
right? These duration are in days. So 5 days or 3 days. 2 to 5 भी correct हो गया. अगला है F. और वो है 3 to 6. तो 3 को अब हम 6 से connect कर देंगे. Activity कौन सी थी ये? F. F. Normal time, crash time? 12 and 8. तो 12 तो bracket के बाहर, क्योंकि normal time है. और shortest time bracket के अंदर. Next activity after F is G. कितना इसका नोड? 4 to 6. तो अब आप 4 को सीधा 6 से कनेक्ट कर देंगे. This is activity G और इसका normal time था 8 and 5 days. Next is H. क्या है इसका duration? 5 to 6. H. 5 को 6 से कनेक्ट किया. Activity थी H और normal time और crash time में इसका 6 से लेकर 6 था. तो सबसे पहले तो बनाइएगा डायग्राम. जो भी आप लोगों को नोट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते जाना है. करिए कनेक्ट, फिर आगे बता दें कैसे होगा. काइंडली टेक डाउन द डायग्राम अप हियर. ओके, डन द डायग्राम. ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा. डायग्राम तो बन गया. अब एक टेबल बनाएंगे आप जिसका नाम है वेरियस पॉसिबल पाथ्स. उनका दिया जाएगा नॉर्मल टाइम और उसके बाद शॉर्टेस्ट टाइम. वेरियस पॉसिबल पाथ्स देयर नॉर्मल टाइम एंड शॉर्टेस्ट टाइम, राइट. वेरियस पॉसिबल पाथ्स का मतलब होता है फर्स्ट से लेकर लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं आपके पास. फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के जितने भी रास्ते होंगे वो सारे आइडेंटिफाई करने हैं. सॉरी, एक रास्ता तो है 1, 3 और 6. 1 से गए हम 3 पर, 3 से गए 6 पर, तो एक रास्ता तो जाएगा 1, 3, 6, राइट. तो इस 136 को कैसे लिखा जाएगा? B से लेकर F तक, राइट. देखिएगा आपके पास है 136. 136 को रिप्रेजेंट करेंगे हम B और F से और इसका टाइम नॉर्मल टाइम 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20. B का 8, F का 12. अब ब्रैकेट के अंदर है 4 और 8, इनका हो जाएगा 12, राइट. नेक्स्ट एक और पाथ देखते हैं ए टी और एच, मतलब 1, 2, 5, 6. तो आप 1, 2, 5, 6 भी लिख सकते हैं और ए एच भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ए का 6 प्लस ई का 5 प्लस 6 क्या वैल्यू आ जाएगी हम? 17. और 4 प्लस 3 7 और 6 कितना आ जाएगा? 13. नेक्स्ट इसके अलावा एक और रास्ता है ए डी और जी. तो एक और पाथ निकल कर आ रहा है ए डी जी. एक था एच, उसके बाद ए डी जी. अब ए डी जी यहां पर टाइम ऐड करिएगा. ए का है 6, डी का है 3, 6 और 3, 9 और 8, ये हो गया 17. और ए डी जी का ही क्रैश टाइम 4 प्लस 3, 7 और 5, वैल्यू भी 12. लास्ट एक है सी और उसके बाद जी. एक और पाथ बन के आ गया सी और जी. सी का है 5 और 8, 13 और 3 और 5 ये हो जाएगा. तो हमारे पास जितने रास्ते थे बी और एफ, मतलब 136, 1256, 1246 और 146, इनके रास्ते कैसे लिखे हमने? बी और एफ, ए ई और एच, ए डी और जी और सी और जी. इन सारे पाथ्स को एनालाइज किया और इनकी वैल्यूज भी नोट कर लिए. आप लोगों को याद होगा कि क्रैशिंग के लिए हमेशा दोनों कॉलम्स में हाईएस्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे. तो इसके अंदर हाईएस्ट है 20 और यहाँ पर हाईएस्ट आ रहा है 13. इसका मतलब ये प्रोजेक्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक क्रैश होगा? 20 से लेकर 13 तक. नोट करिएगा यहाँ तक, फिर आगे सिखाते हैं आपको. ये ध्यान में रखना कि टोटल नॉर्मल कॉस्ट है 6500, ओवरहेड कॉस्ट पर डे क्वेश्चन में दी हुई है 160, पेनल्टी कॉस्ट है 100 पर डे, ये
लेकिन ये कंडीशनल है, 17 दिन तक कोई पेनल्टी नहीं है, उसके ऊपर पर डे की 100 रुपीस पेनल्टी है। वेलकम टू दिस। लेकिन एक बार नोट कर लीजिएगा, आपके कॉस्ट ऑफ रिडक्शंस जो कि हमें डायरेक्टली गिवन है यहाँ, उसके बाद डायग्राम और फिर वेरियस पॉसिबल पार्ट। अब एक शीट बनाएंगे आप जिसका नाम है कॉस्ट शीट। इस कॉस्ट शीट के अंदर फर्स्ट सेगमेंट ये तो आ जाती है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज ये कैसे आएगा, पूरे प्रोजेक्ट इसके अंदर दोनों कॉलम्स में हाईएस्ट वैल्यू लेनी थी, सिलेक्शन ऑफ दी हाईएस्ट वैल्यू विल गिव यू द इंटरवल कि प्रोजेक्ट कहां से लेकर कहां तक क्रैश होगा। तो ये प्रोजेक्ट 20 से लेकर 13 तक दोनों कॉलम में हाईएस्ट लेनी है, जरूरी नहीं आपने सामने हो, यहां पर हाईएस्ट आ रहा है 20 और इधर आ रहा है 13, तो 20 से लेकर 13 तक ये प्रोजेक्ट रिड्यूस किया जाएगा। उसके बाद एक कॉलम बनाते हैं आप जिसका नाम है डायरेक्ट कॉस्ट्स, और आप लोगों को याद होगा डायरेक्ट कॉस्ट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू, नॉर्मल कॉस्ट एंड क्रैशिंग कॉस्ट और उसके बाद टोटल। नेक्स्ट आता है सेगमेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट्स का। इनडायरेक्ट कॉस्ट यहां पे दो हैं, एक तो है पेनल्टी कॉस्ट, दूसरी है OH, शॉर्ट फॉर्म फॉर ओवरहेड कॉस्ट, और इनका टोटल। और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टोटल, दैट इज टोटल कॉस्ट, राइट। नॉर्मल कॉस्ट ये हमें दे रखी थी इस क्वेश्चन में 6500, तो आपको बताया था नॉर्मल कॉस्ट इज अ काइंड ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच विल रिमेन सेम थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एक तरह का फिक्स कॉस्ट है जो कि पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के दौरान हमेशा सेम रहेगा। पेनल्टी, पेनल्टी के बारे में लिखा था क्वेश्चन में, द पेनल्टी इज रुपीज 100 पर डे ओवर 17 डेज, इसका मतलब पेनल्टी प्रतिदिन की है 100 रुपए की, लेकिन 17 दिन से ऊपर, इसका मतलब अगर ये प्रोजेक्ट 20 डेज में पूरा हो रहा है तो 17 से 3 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो पेनल्टी कितने की होगी 300 की। 19 का मतलब 17 से 2 दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन मतलब पेनल्टी कितने की लग गई 200 रुपए की। 18 का मतलब 17 से 1 दिन एक्स्ट्रा है, पेनल्टी हो गई 100 रुपीज की, और 17 और उससे नीचे कोई भी पेनल्टी नहीं है बिकॉज द पेनल्टी इज रुपीज 100 पर डे ओवर 17 डेज, राइट। उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट, क्वेश्चन ने दिया हुआ था 160 पर डे, एक दिन का 160 है तो 20 डेज का कितना होगा 3200, कैसे आए 20 into 160। उसके बाद 19 डेज का 19 into 160 क्या वैल्यू आ जाएगी, 19 को 160 से मल्टीप्लाई करने पर 3040। उसके बाद 18 का निकाला, 18 into 160 कर दीजिएगा 2880, फिर 17 को मल्टीप्लाई करिएगा 160 से, जब 17 को 160 से किया 2720, फिर 16 को मल्टीप्लाई करिएगा 16 × 160, ये आपको दे रहा है 2560, फिर 15 को 160 से मल्टीप्लाई करिएगा 2400, उसके बाद 14 को 160 से मल्टीप्लाई करिएगा 2240, और उसके बाद लास्ट 13 को भी 160 से मल्टीप्लाई करिएगा 2080। अब इन दोनों पेनल्टी ओवरहेड का टोटल किया तो ये तो हो गया 3500। This is 3240, this is 2980, 2720 plus dash, 2720 क्या आ जाएगा 2560 plus dash, 2560, 2400 और dash का टोटल 2400, 2240 and this is 2080। रिपोर्ट कीजिएगा पहले तो यहाँ तक,
फिर आगे सिखाते हैं आपको. एनर्जी कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और फिर इनका टोटल. क्लियर है यहां तक? एनर्जी और टोटल. अब उसके बाद अगला कॉलम, यहां पर एक मार्किंग नोट्स बनाएंगे आप क्रैशिंग के. और ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि पिछली प्रॉब्लम्स में किया था, कि इसका ट्रीटमेंट रहेगा क्यूमुलेटिव. कॉस्ट निकालते जाएंगे और साइमल्टेनियसली जो वैल्यूज हैं प्रीवियस वैल्यूज उनको ऐड अप करते हुए चलेंगे, जस्ट लाइक वी डू फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, राइट. वो भी सिखाते हैं आपको. अब एक चीज आप लोगों को बताया था, पहली एंट्री क्रैशिंग की होती है हमेशा डैश, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी एक्टिविटी को रिड्यूस नहीं किया. सो वी डोंट नीड टू पे एनी कॉस्ट. तो 6500 प्लस डैश क्या हो जाएगा? 6500 प्लस 3500, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 10,000. इसका मतलब ये हुआ, बिना कोई रिडक्शन किए, बिना कोई क्रैशिंग किए, अगर ये प्रोजेक्ट 20 डेज में पूरा हो रहा है, तो इसका टोटल कॉस्ट आ रही है ₹10,000. ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि अगर आपका प्रोजेक्ट 20 डेज में कंप्लीट हो रहा है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास? 10,000. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ क्रैशिंग. तो फर्स्ट क्रैशिंग मैं आप लोगों को बताया था, हम वो वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका नॉर्मल टाइम सबसे ज्यादा होगा. तो नॉर्मल टाइम सबसे ज्यादा किसका है? वो है बी और एफ का. नॉर्मल टाइम हाईएस्ट ये है बी और एफ, राइट. तो आपको बी और एफ इसको सेलेक्ट करना है बी और एफ में से. तो बी और एफ जो था वो वैल्यू थी हमारी नॉर्मल टाइम के हाईएस्ट की. तो आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी आए हुए हैं, तो नॉर्मल टाइम वाले कॉलम में देखना है कि किसका ड्यूरेशन हाईएस्ट है. वो था बी से लेकर एफ तक जो पाथ था. अब इस पाथ को हमने सबसे पहली क्रैशिंग के लिए सेलेक्ट किया. शॉर्टेस्ट टाइम का रूल, इट गेट्स ओवर. अब आपका पूरा क्वेश्चन किसके सहारे आगे चलेगा? नॉर्मल टाइम के. और जो भी नॉर्मल टाइम में हाईएस्ट होगा वो ही लेना पड़ेगा आपको. तो हाईएस्ट था 20 और किसका था? बी और एफ का. तो बी और एफ में से अब आपने देखा बी की कॉस्ट ऑफ रिडक्शन थी 90, व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन. एफ की कॉस्ट ऑफ रिडक्शन थी 200. बी की कॉस्ट ऑफ रिडक्शन है 90. अगर कॉस्ट ऑफ रिडक्शन दे रखी हो वेल एंड गुड, नहीं दे रखी हो तो ये फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कॉस्ट ऑफ रिडक्शन का फॉर्मूला होता है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. ये ध्यान रखना है आपको, क्रैश कॉस्ट में से नॉर्मल कॉस्ट माइनस की, डिवाइड किया नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. अगर आपको कॉस्ट ऑफ रिडक्शन नहीं दे रखी होगी तब इस फॉर्मूले से निकालिएगा. लेकिन ओवर हियर इट इज गिवन. तो बी की कॉस्ट ऑफ रिडक्शन है 90 और एफ की कॉस्ट ऑफ रिडक्शन है 200. तो दोनों में से मिनिमम कॉस्ट ऑफ रिडक्शन किसकी हुई? एक्टिविटी बी की. कितना है इसका कॉस्ट ऑफ रिडक्शन? ₹90. वही रूल याद रखना, एंट्रीज विल बी डन साइमल्टेनियसली एट फोर प्लेसेस. पहली होती है क्रैशिंग के वर्किंग नोट में कि 90 रुपीज लिया, प्लेस किया कॉस्ट शीट में. तो 6500 प्लस 90 क्या होगा? 6590. तो सेकंड एंट्री कहां हो रही है? कॉस्ट शीट में. और अपने कैलकुलेटर से टोटल करो, 6590 प्लस 3240 और बताओ ये ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है? 9830. So the costs now they are on a declining trend. Four places पर entry होगी. 1, 2. Third diagram में किस activity को लिया था हमने? B को. 8 से कटती ये reduce होके रह जाएगी अब 7. तो third entry होती है diagram के अंदर. बहुत simple rule है, ध्यान रखिएगा. और fourth entry होगी various possible paths में. तो activity जिसको हमने reduce किया है कौन सी थी? B. ये जितने भी पास में आ रही होगी सबको एक एक से रिड्यूस कर दीजिएगा. एक्टिविटी बी आ रही है केवल फर्स्ट में, तो 20 से कट के जाया जाएगा 19. तो चौथी एंट्री क्या होगी? वेरियस पॉसिबल पाथ. नोट करिएगा इस फर्स्ट राउंड को. फिर स्टार्ट करते हैं राउंड नंबर 2. राइट, काइंडली टेक डाउन द वैल्यूज अप टिल हियर, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. क्रैशिंग नंबर 2 सेकंड क्या बताया था, क्या लेना है आपको? इसका नॉर्मल टाइम हाईएस्ट होगा. कौन सा है? बी और एफ, राइट. तो फिर से बी और एफ ये सेलेक्ट होगा
और इसमें बी और एफ में कॉस्ट ऑफ रिडक्शन किसकी है मिनिमम 90 और 200 से बी का ही है बी का कॉस्ट ऑफ रिडक्शन है 90 अभी का और ये क्यूमुलेटिव होगा 90 पहले का ग्रैंड टोटल कितना हो गया 180 यहां पर ऐड किया हमने 6500 और 180 6680 प्लस 2980 ऐड अप करिएगा और बताइए क्या वैल्यूज आ रही है 9660 एंट्री इज डन एट फर्स्ट सेकंड ईयर कॉस्ट शीट नंबर 3 डायग्राम डायग्राम में बी को सेलेक्ट किया था तो ये 7 से रिड्यूस होकर रह जाएगा केवल 6 पर और बी फर्स्ट में आ रही है तो 19 से कट के जा रही है 18 पर जब आप इन चारों केसेस पर एंट्रीज कर देंगे तब चलेंगे आप क्रैशिंग नंबर 3 पर तो नोट कीजिएगा इन वैल्यूज को यहां तक देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर नेक्स्ट क्रैशिंग नंबर 3 हाईएस्ट अभी भी यही है 18 दैट मींस आप लेंगे बी और एफ इसमें फिर से एक्टिविटी दिया जाएगी क्योंकि अभी इसमें है कितना गुंजाइश 6 से 4 दो बार और रिड्यूस किया जा सकता है इसको तो एक्टिविटी बी कितना है इसका बी का 90 पहले का 180 टोटल कितना आ जाएगा 90 और 180 का रुपीस 270 चार प्लेसेस पर एंट्री चलेगी फर्स्ट क्योंकि क्यूमुलेटिव है क्यूमुलेटिव मतलब करंट वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यूज ऐड ऑन होते हुए चलेंगी आप जैसे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में करते हैं 270 लिया कॉस्ट शीट में प्लेस कर दिया 6500 प्लस 270 क्या हो जाएगी वैल्यू 6770 प्लस 2720 9490 रुपीस एंट्रीज विल बी डन एट फोर प्लेसेस फर्स्ट डन सेकंड डन थर्ड एक्टिविटी बी को आपने सेलेक्ट किया था तो डायग्राम में केवल बी को एक से कट करिएगा ये रह जाएगा 5 और बी वाले पार्ट को कम किया तो 18 से रह गया 17 बी नीचे किसी में भी नहीं आ रही है आ रही होती तो नीचे वाले पार्ट्स भी रिड्यूस होते क्योंकि वो एक्टिविटी जो आपने सेलेक्ट की है वो जितने पार्ट्स में आएगी सबको एक एक से रिड्यूस करना है ऑल्दो बी फर्स्ट में थी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी नेक्स्ट नोट करना है यहां तक और वो ऑलरेडी डायरेक्ट साइमल्टेनियसली चारों जगह पर एंट्रीज की अब आते हैं नेक्स्ट राशि नंबर 4 यहां पर अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा 17 17 17 तीनों के तीनों 17 पर आ गए तो अब तीनों को ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन कौन से एक तो बी और एफ उसके बाद ए ई और एच और ए डी और जी अब आपको तीनों पार्ट में से एक एक एक्टिविटी लेनी है तीनों पार्ट में से फर्स्ट में से तो बी और एफ में से बी आ जाएगी क्योंकि इसका कॉस्ट कम है और अभी बी एक्टिविटी एक बार ले सकते हैं क्योंकि 5-4 है सो यू हैव यू नो वन मोर ऑप्शन अवेलेबल फॉर एक्टिविटी बी तो फर्स्ट में से तो ले लिया बी जिसका कॉस्ट ऑफ रिडक्शन आ रहा है 90 सेकेंड और थर्ड पार्ट में अगर आप देखें एक्टिविटी ए कॉमन आ रही है राइट तो अगर एक्टिविटी पिछले क्वेश्चन के अंदर एक्टिविटी थी जो तीनों में कॉमन थी लेकिन कभी आपको कोई एक्टिविटी दो में कॉमन मिले तो दो में भी आप कॉमन ले सकते हैं तो यहां पर एक्टिविटी ए कॉमन आ जाएगी दोनों में और कॉमन लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पास तो दोनों रिड्यूस होंगे कॉस्ट केवल एक ही बार लगेगी तो ए की कॉस्ट कितनी थी 80 रुपीस तो 90 प्लस 80 टोटल कितना हो गया 170 अभी का और 270 पहले का तो ग्रैंड टोटल हो गया ये 440 तो आपको दोनों पार्ट में से एक एक एक्टिविटी लेनी थी ये एक्टिविटी दोनों पार्ट में से कॉमन आ रही थी कॉमन लेने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपके पास दोनों रिड्यूस होंगे लेकिन कॉस्ट केवल एक ही बार लगेगी तो 440 उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया हमने 6500 प्लस 440 क्या हो जाएगा 6940 प्लस 2560 ऐड अप करिएगा 6940 और 2560 विल गिव यू द ग्रैंड टोटल 9500 एंट्रीज एट फोर प्लेसेस 1 2 तीसरा आपने एक्टिविटी ए ली है और बी ली है तो बी 5 से रिड्यूस होकर हो गई 4 और यहां पर एक बात ध्यान देने वाली
जी का नॉर्मल और क्रैश टाइम 4-4 इक्वल हो गया, इसका मतलब आगे के लिए अब एक्टिविटी बी को आप कंसिडर नहीं करेंगे। और एक्टिविटी ए भी आपने सेलेक्ट करी थी इन पास में से, रिड्यूस केवल एक से ही करना है, 6 से कट के क्या रह जाएगा ये 5, और बी वाला पार्ट 17 से कट के रह गया 16, और ए वाले दोनों 17 से हो गया 16, ये भी 17 से हो गया 16 पर 16 16 16। अब नेक्स्ट क्रैशिंग में ये तीनों पार्ट दिए जाएंगे, तो पहले नोट करिएगा यहां तक, फिर आगे सिखाते हैं आपको। डन, ओके, नेक्स्ट क्रैशिंग नंबर 5। ये तीनों 16 16 16 पर आ गए, तीनों ही दिए जाएंगे, बी और एफ, ए ई और एच, और ए डी और जी। अब यहां पर आपके पास एक्टिविटी बी को कंसिडरेशन में नहीं रही, तो क्या लेंगे फर्स्ट में से, एक्टिविटी एफ बची हुई है, एफ का कॉस्ट ऑफ रिडक्शन है 200, क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद सेकंड पार्ट में देगा, एक्टिविटी एच आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि एच का नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम पहले से ही सेम है, और आप एक और एक्टिविटी डी को भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि डी का भी नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम सेम है। तो अब आपके पास ऑप्शंस में क्या अवेलेबल है, ए अभी भी 5-4 है, इसको एक बार हम कंसिडर कर सकते हैं, दोनों पार्ट में कॉमन आ रही है, कॉमन लिया, कॉस्ट लग गया ए का, ए का कॉस्ट था 80, टोटल किया 280 और 440 पहले का, तो 280 प्लस 440 इस विल बी 720, 720 प्लेस किया हमने यहाँ पर, ऐड अप करिए 6500 और 720, 7220 प्लस 24 ये हो जाएगा 9620। एंट्रीज एट फोर प्लेसेस, नंबर 1 डन, नंबर 2 डन, देन एफ 12 से रिड्यूस होके हो जाएगी 11, और एक्टिविटी ए ये भी यहां पर सेलेक्ट हुई थी, इसको भी रिड्यूस किया। अब एक और ध्यान देने वाली बात, 4 और 4 ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब अब आप एक्टिविटी ए को भी कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन पास में से सारे रिड्यूस हो जाएंगे, तो एफ वाला पार ये रह गया 15 और ए वाले भी हो गए दोनों 15 पर, राइट, करिएगा नोट, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। डन, नेक्स्ट क्रैशिंग नंबर 6, 15 15 15 तीनों पार्ट फिर से लिए जाएंगे, बी और एफ, ए ई और एच, और ए डी और जी। अब यहां पर बी आप ले नहीं सकते हैं, ए भी अभी अभी क्लोज हुआ है 4 और 4, उसके बाद एच भी कंसिडरेशन में नहीं था, 6 और 6 नॉर्मल क्रैश टाइम सेम, और डी भी नहीं है हमारे पास, तो अब बचा क्या है हमारे पास, फर्स्ट में एफ जो बचा वही लेना पड़ेगा, एफ का कॉस्ट ऑफ रिडक्शन था 200, सेकंड में ई का कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कितना है 40, और थर्ड में जी का कॉस्ट ऑफ रिडक्शन है 50, टोटल हो गया 290 और 720 पहले का, तो ये टोटल आ गया 1010, राइट, 1010 प्लेस किया हमने यहाँ पर, 6500 और 1010 7510 प्लस 2240 ये हो जाएगा 9750। एंट्रीज एट फोर प्लेसेस, फर्स्ट डन, सेकंड डन, थर्ड ई एफ और जी, ये तीन एक्टिविटी आई है ई एफ और जी, तीनों को एक से कम करना है, तो ई 5 से कट के रह गया 4, एफ 11 से कट के रह गया 10, और जी 8 से रिड्यूस होकर रह गया 7, और ई एफ जी वाले सारे पार्ट आप देखो ई किस में आ रहा था, केवल पहले में, सेकंड में, तो ये 15 से रिड्यूस हो गया एफ 14 पर, ई सेकंड में था, तो ई वाले पार्ट की ड्यूरेशन रिड्यूस करी। उसके बाद क्या लिया था हमने, एफ पहले में आ रहा है, 15 से कट के ये भी रह गया 14, और कौन सी एक्टिविटी लिखी, जी, लेकिन जी नीचे दो दो पार्ट में आ रहे हैं, तो दोनों पार्ट रिड्यूस होंगे, ये हो जाएगा 14, और 13 से कट के ये रह जाएगा 12, राइट, ये ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी जी को आपने सेलेक्ट किया था, जी नीचे वाले दोनों पार्ट में आ रही है, तो
दोनों पार साइमल्टेनियसली रिड्यूस होंगे, 15 कट के रह जाएगा 14 और जी ये वाला हो जाएगा 12. काइंडली नोट डाउन द वैल्यूज अप टिल हियर, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द लास्ट क्रैशिंग. नोट कीजिएगा यहां तक और फिर लास्ट क्रैशिंग. अब इस पर ध्यान देना, क्रैशिंग नंबर 7th क्रैशिंग में 14 14 14 तीनों सेम आ गए. तो अब तीनों को ही लेना पड़ेगा फिर से आपको. कौन कौन से? डी और एफ, ए ई और एच और ए डी और जी. फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा, बी को आप कंसीडर नहीं कर सकते थे, ए थोड़ी देर पहले ही क्लोज हुआ था, एच भी नहीं था और डी भी कंसिडरेशन में नहीं है क्योंकि इनके एच के और डी के नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम सेम है. तो अब हमारे पास बचा क्या? फर्स्ट में है जिसका कॉस्ट ऑफ रिडक्शन था ₹200, सेकंड में ई का कॉस्ट ऑफ रिडक्शन था ₹40 और लास्ट में जी का कॉस्ट ऑफ रिडक्शन था 50. तो पहले तो कॉमन मिल रहा था तो लाइफ वॉज यू नो बिट इजी, लेकिन अब कॉमन नहीं है तो हर पार्ट में से अलग अलग एक्टिविटीज लेकर उनकी वैल्यूज का टोटल करना पड़ेगा. और टोटल आया 290 और 1010 पहले का, ग्रैंड टोटल हो गया इन सबका 1300 यहाँ पर प्लेस किया, 6500 और 1300 टोटल हो गया 7800 प्लस 2080 9880. चार जगह एंट्री होंगी, फर्स्ट डन सेकंड डन. अब एफ ई और जी, एफ 10 से कट के रह गया 9, ई 4 से कट के रह गया 3 और जी 7 से रिड्यूस होकर रह गया 6. और एफ ई और जी वाले सारे बार रिड्यूस होंगे तो 14 पे आ जाएगा, ये भी 13, लेकिन जी वाले लास्ट पार्ट 12 से कट के आ जाएगा 11. नोट कीजिएगा इसको और फिर लिखिएगा कंक्लूजन. राइट, काइंडली टेक डाउन द वैल्यूज अप टिल हियर. एक बार राशि की वैल्यूज आ गई और आपने देखा कि लोएस्ट कॉस्ट थी आपकी 9490, ये ध्यान रखिएगा. The lowest cost, ये reduce होते होते 9490 आई और उसके बाद बढ़ने लगे. और आपको याद दिला दें कि एक बार जब cost increase होगी तो फिर वो increase ही होती जाएगी, फिर कभी decrease नहीं होती. तो यहाँ तक decrease हुई 17 तक और उसके बाद increase होने लग गई. तो आपका जो optimum duration है वो है 17 days और इसी के according लिखिएगा इसका conclusion. लिखिएगा, since the total cost is minimum, since the total cost is minimum on 17th day, since the total cost is minimum on 17th day, that is rupees 9490, therefore the project will be crashed till 17th day. Since the total cost is minimum on 17th day, that is 9490, therefore the project will be crashed till 17th day. This is going to be your final answer for crashing.